Everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are starting with a really important topic for your upcoming preliminary examination. आपके prelims के exam के perspective से एक बहुत important topic सामने आया है जिसको आज हम cover करने जा रहे हैं, and that is solar energy waste management. See, currently, as you can see, the climate is changing its, you know, फेज. ठीक है, अभी थोड़े दिन पहले इट वॉज विंटर्स, ठीक है, बट फ्यू डेज बैक इट वॉज विंटर्स. नाउ सडनली द टेम्परेचर हैज जस्ट राइजन अप, राइट, एंड समर्स आर हियर. अभी थोड़े दिन पहले हम ब्लैंकेट्स में थे, अभी एकदम से हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल ही यू नो सारे ब्लैंकेट्स फेंक दिए हैं और फैंस एकदम तेज स्पीड पर चला लिया है. ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये दिखाता है दैट हाउ एट अ वेरी फास्ट पेस द temperature, the weather, the climate, everything is changing. Okay, and this change is not very safe. अभी right now अगर आप ये सोचो अरे हाँ ठीक है change तो होता ही है, तो ये कुछ अच्छी बात नहीं है जो इतनी ज्यादा जल्दी गर्मी आ जाती है और उसमें भी इतनी भयंकर गर्मी आ जाती है, तो ये extreme होना भी बहुत ज्यादा खतरे से खाली नहीं होता. ठीक है, तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे सोलर एनर्जी वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में. ये टॉपिक क्लाइमेट से रिलेटेड है, ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड है. दिस इज एन एनवायरनमेंट रिलेटेड टॉपिक, राइट. एंड इन गोइंग थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ प्रीलिम्स यू विल सी दैट देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस व्हिच आर कमिंग फ्रॉम एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट से ही काफी सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं. 10 to 18 क्वेश्चंस डायरेक्टली दे कैन कम फ्रॉम एनवायरनमेंट. 10 से 18 क्वेश्चंस एनवायरनमेंट से पूछे जा रहे हैं. ठीक है, दैट मीन्स 20 से 36 मार्क्स तो एनवायरनमेंट से ही बन रहा है. ठीक है, सो व्हेन आई एम सेइंग 20 to 36 मार्क्स आर कमिंग फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, दैट मीन्स दिस टॉपिक इज रियली इंपॉर्टेंट एंड एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पार्ट ऑफ द सिलेबस इज रियली इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. And also make sure that you have your register with you. ठीक है, notes register, where you are taking notes. Environment ecology का एक separate register बना लेना. ठीक है, शुरू करते हैं. So before we study this topic in detail, solar energy waste management, there are certain few preliminary facts that we will discuss and then we'll move ahead. ठीक है, थोड़े से preliminary facts हैं जो हम discuss कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. तो prelims से related जो भी agencies and जो भी आपको topics पढ़ने हैं उसको हम cover कर लेते हैं. Okay? For example, the first important point for prelims is Council on Energy, Environment and Water. This is very important. Council on Energy, Environment and Water, what is it? It's CEEW. ये Delhi based not for profit policy research institution. It's a policy research institution. NPO type है ये. ठीक है, so basically this it's research, you know, the basic core research areas are water resources, renewable energy, integrated energy. Now what is integrated energy? If somebody asks you in your, you know, interview, what will you answer? So integrated energy means it includes energy needs for both private household and industrial consumers. The aim is basically integrated energy का जो final aim होता है ना वो क्या होता है, to reduce the carbon dioxide emissions. जितने भी CO2 emissions है उसको reduce करना, वो इसका final aim होता है. और private households के लिए इनके जैसे आपके घर होते हैं, industrial consumers के लिए factories वगैरह हो गए, offices हो गए, तो उनके energy needs को ये मेंटेन करता है, बैलेंस करता है, और इसका एम होता है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को रिड्यूस करना. इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर इट इन्वॉल्व्स कंबाइनिंग इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड मोबिलिटी विद द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, दैट इज इंटीग्रेटेड एनर्जी, उसको हम इंटीग्रेटेड एनर्जी बोलते हैं. ठीक है, पॉइंट इज क्लियर. नाउ इफ एनीबॉडी आस्क्स यू इन प्रीलिम्स और इन इंटरव्यू व्हाट इज इंटीग्रेटेड एनर्जी, यू कैन आंसर इट. ओके, नाउ बेसिकली दिस काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर, इट्स लाइक अ थिंक टैंक. It's like a think tank because it researches. ठीक है, it's a research institution, so it does the research work for all kind of energies and then it advises the Indian government. ठीक है, तो ये Indian government का think tank है. ठीक है, Indian government का, तो यहाँ ये research करता है, analyze करता है, reports बनाता है और फिर Indian government को energy related या energy save करने से related जितनी भी advices है ये provide करता है. ठीक है, यहाँ तक point clear हो गया.
Then the next important topic for prelims is International Renewable Energy Agency. These short topics are very important. They can ask you statement-based questions in prelims. आपको दो statement दे देंगे इस topic के ऊपर, इस ठीक है title के ऊपर, फिर बोलेंगे which statement is correct और which statement is incorrect. Okay? So you have to be very well prepared when it comes to these little agencies. So International Renewable Energy Agency was established in 1987. Please remember the year. Okay? आसपास 1980s के आसपास याद कर लो, ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. एंड इट इज बेसिकली इट फॉल्स इन द मिनी रत्ना कैटेगरी. नाउ अनदर क्वेश्चन दे कैन आस्क यू इन इंटरव्यू, व्हाट इज अ मिनी रत्ना कैटेगरी. ओके, सो द कंपनीज विच फॉल इन द मिनी रत्ना कैटेगरी, देर आर सर्टन कंडीशंस फॉर देम. द कंडीशन इज दैट दोज कंपनीज शुड हैव मेड प्रॉफिट इन द लास्ट थ्री ईयर्स कॉन्टिन्यूअसली. ठीक है, जैसे कि अभी चल रहा है 21-22 गया अभी, ठीक है, 2021 एंड 19-20. So in the last 3 years, they should have, these are the financial years. In the last 3 financial years, they should have made profit continuously. Second condition is their pre-tax profit should be rupees 30 crores or more in at least one of the 3 years. In tino mein se kisi ek year mein, ek saal mein, financial year mein, inka profit 30 pre-tax, yani ki tax dene se pehle ka jo profit hai, wo 30 crore ya usse zyada ka hona chahiye. Theek hai? And third condition is they should have पॉजिटिव नेटवर्थ. दिस इज पॉजिटिव, उनका नेटवर्थ पॉजिटिव, नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए, पॉजिटिव में जाना चाहिए. सो जब ये कंडीशंस फुलफिल हो जाते हैं, देन द कंपनी फॉल्स इनटू द मिनी रत्ना कैटेगरी. सो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ऑल्सो फॉल्स इन द मिनी रत्ना कैटेगरी ऑफ द गवर्नमेंट. ओके, इट्स अ पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी विच वॉज एस्टैब्लिश्ड एज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी. अभी देर वॉज एनपीए इशू इन द एनबीएफसीज इन 2018 एंड 19. ठीक है, दिस बिकेम अ वेरी हॉट टॉपिक. So what is non-banking financial institution? So I can give you some examples of the NBFCs. For example, we have insurance firms, venture capitalists. Basically, NBFCs, they provide services that are not necessarily suited to the banks. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. बैंक्स की जो बेसिक फंक्शंस होते हैं, एनबीएफसीज वो प्रोवाइड नहीं करते हैं. ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज देन द रोल ऑफ एनबीएफसी. फिर क्वेश्चन ये आ जाता है कि भैया एनबीएफसी का रोल क्या होता है. ठीक है, ये पढ़ना भी जरूरी है. सो द एनबीएफसीज आर कंपनीज विच आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956. सो दे बेसिकली परफॉर्म लेंडिंग फंक्शन टू द पब्लिक. जितनी भी पब्लिक है ना, उसको लेंड करते हैं, पैसे को उधार देते हैं. दैट इज वाई एनपीए इशू केम, यू नो, व्हेन द एनबीएफसीज वर इन न्यूज इन 2018 एंड 19. ठीक है, एंड दे डू नॉट हैव अ बैंकिंग लाइसेंस ऑल्सो. इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता. ये पॉइंट आप लिख लीजिए, बिकॉज दे कैन आस्क यू इन प्रिलिम्स. ओके, ऑल राइट. सो बिफोर वी मूव अहेड, हियर इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू. अनअकैडमी इज कमिंग अप विद द बेस्ट ऑफ द ऑफर दिस टाइम, एंड दिस इज द IAS ड्रीम ऑफर. नाउ यू कैन क्रैक UPSC CSE 2022, 2023 or 2024 अटेम्प्ट with an offer like never before. You get a chance to save up to rupees 54,694. You can get, how you can save this much amount on your subscription? By getting 20% off, ठीक है, on Unacademy Plus subscription if you are using this code Arpita10. ये code use करके आपको 20% off का मिलेगा, ठीक है, यानी कि 20% discount मिलेगा. And you will get 3 months का extension on the combo offer. If you are taking Unacademy Plus combo offer, that is pre plus mains plus optional, आपको सब कुछ मिलेगा इसके अंदर. तो उसमें आपको 3 months का extension मिलेगा. If you have taken a 1 year offer, you will get 1 year 3 months इसके साथ additional. ठीक है, 1 year के साथ, यानी कि 12 months के साथ 3 months extra, यानी कि 15 months आपको, मतलब पैसे दे रहे हो 12 महीने के subscription के, पर आपको subscription मिल रहा है 15 महीने का. ठीक है, if you are taking a 24 month subscription for 2024 or 2023 attempt, then you will pay for 24 months with 20% discount also if you are using this code Arpita10, ARPITA10, but you will actually get 27 months of subscription, yani ki 3 mahine ka aapko subscription extra milega. And it's a very short limited time period offer, to jaldi se jaldi abhi aaj ya kal mein ye offer ekdam se khatam ho jayega. So make sure aap is 20% flat off ke offer ko abhi ke abhi subscribe kar lo. Theek hai,
एंड वी आर स्टार्टिंग न्यू बैचेस ऑन अनअकैडमी प्लस. न्यू बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं अनअकैडमी प्लस पर 23 मार्च से. एंड इफ यू हैव एनी डाउट ना रिलेटेड टू बैचेस, यू कैन कॉल ऑन दिस गिवन नंबर. ये जो नंबर इधर दिया हुआ है ना, इस नंबर पे आप कॉल करके अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो. अगेन भूलना मत, ARPITA10 इज द कोड दैट यू नीड टू यूज टू गेट द 20% डिस्काउंट. एंड इन द मंथ ऑफ मार्च वी हैव लॉन्च्ड न्यू ऑप्शंस आल्सो विद सीनियर एजुकेटर्स हु आर टेकिंग चार्ज. इधर आप देख सकते हो सीनियर एजुकेटर्स हैं जो कि चार्ज ले रहे हैं और आपके लिए नए ऑप्शनल्स लेकर आए हैं. एंड टू दोज स्टूडेंट्स who have just started their preparation or who are in the middle of the preparation या एक साल की तैयारी उनकी हो गई है, आपके लिए एक wonderful surprise है. With Unacademy Civil Services Championship, here you will get, you know, you get to give the preliminary based test. आपको जैसे prelims का test देते हो वैसे ही यहाँ पर आपका एक prelims का mock होगा, wherein you will get a chance to win scholarship and exciting rewards worth ₹15 crore. ठीक है, 27th मार्च को होने वाला है ये आपका championship. सो हियर यू कैन सी अनअकैडमी सिविल सर्विसेज फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है 27 मार्च को. नीचे लिंक दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे एंड यू विल गेट टू द यू नो एग्जाम. एंड यू कैन ऑल्सो इनरोल फॉर फ्री. ये फ्री ऑफ टेस्ट है, इसमें आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, चलो. The next important topic for prelims is the net zero target 2070. It was highlighted in the budget this year as well. So that is why this topic is really important. Budget 2022 में इसको निर्मला सीतारमन जी ने mention भी किया है. So that is why it's important. Please pay very deep attention to this topic. ठीक है, because budget में से आराम से 10 से 20 question निकल सकते हैं prelims के लिए. ठीक है, तो शुरू करते हैं. So in the budget it was highlighted about the net zero target. What is the meaning of net zero? एक बेसिकली ये बैलेंस है, इट्स अ बैलेंस वेयर एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस आर ऑफसेट, दे आर न्यूट्रलाइज्ड बाय अब्सॉर्प्शन ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ द गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. ठीक है, तो टोटल जो एमिशन हुआ है ना, उसको जो कार्बन डाइऑक्साइड का अब्सॉर्प्शन है एटमॉस्फेयर से, उससे न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, नलिफाई कर दिया जाता है. ठीक है, जैसे कि ट्रीज करते हैं. ठीक है, आप जितना भी एमिशन करते हो उसको नलिफाई कौन करता है? हमारे फॉरेस्ट, हमारे ट्रीज, ग्रीनरीज. ठीक है, कैसे? फिजिकली कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके, बट इसके अंदर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज की मदद से इस बैलेंस को मेंटेन किया जाएगा. ठीक है, सो फॉर दैट प्लेजेस हैव बीन टेकन. प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी 5 प्लेजेस लिए हैं. फर्स्ट प्लेज इज इंडिया विल इंक्रीज इट्स नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी टू 500 GW बाय द ईयर 2030. ओके, सेकेंड प्लेज इज इंडिया विल मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी. सो वॉट इज रिन्यूएबल एनर्जी? इट इज द एनर्जी विच इज कलेक्टेड फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल सनलाइट और विंड और रेन, टाइड्स, वेव्स, जियोथर्मल हीट एटसेट्रा. ओके, देन थर्ड प्लेज इज इंडिया विल रिड्यूस द टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशंस बाय 1 billion tons फ्रॉम नाउ टू 2030. By 2030, India will reduce the carbon intensity of its economy by 45%. So, what exactly is carbon intensity? अब ये देख लेते हैं कि carbon intensity क्या होता है. Carbon intensity जो है, it's basically the emission rate. ठीक है, it is also known as emission intensity. Please write it down. ये facts prelims के लिए बहुत important है. ठीक है, इसको miss मत करना. It is also known as emission intensity. So it is the emission rate of a given pollutant which is relative to the intensity of a specific activity or you can say an industrial production process. ठीक है, that is carbon intensity. उसको हम बोलते हैं carbon intensity. ठीक है, for example grams of carbon dioxide released per megajoule of energy produced or ratio of greenhouse gas emission produced. ठीक है, to the ratio of the energy that has been produced. ओके, नेक्स्ट आपका टारगेट हमारा यहाँ पर है बाय 2070 इंडिया विल अचीव द टारगेट ऑफ नेट जीरो, दैट इज दिस बैलेंस स्टेट. ठीक है, जहां पर जितना एमिशन हो रहा है उतना ही उसे ऑफसेट कर रहे हैं हम अपनी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज की मदद से, तो वो हो जाता है आपका नेट जीरो स्टेट. ठीक है, तो ये पॉइंट समझ आ गया, व्हाट इज नेट जीरो. अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट विच वॉज रेस्ड बाय निर्मला सीतारमन जी वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्क्यूलर इकोनॉमी. सो सर्कुलर इकोनॉमी बेसिकली इट्स अ मॉडल ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन. ठीक है, राइट इट डाउन, यू कैन मेक अ फ्लो चार्ट ऑल्सो. प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, इट्स अ मॉडल ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन विच इन्वॉल्व्स शेयरिंग, जिसके अंदर शेयरिंग भी आ जाता है. इट इन्वॉल्व्स शेयरिंग, इट इन्वॉल्व्स लीजिंग. ठीक है, इट इन्वॉल्व्स रीयूजिंग,
ओके इट इन्वॉल्व्स रिपेयरिंग, इस तरीके से मेक अ फ्लो चार्ट, ठीक है, और माइंड मैप. इट इन्वॉल्व्स रिसाइकलिंग ऑल्सो, ठीक है, इसमें रिसाइकलिंग भी एड हो जाता है. इट इन्वॉल्व्स रिसाइकलिंग रिफर्बिशिंग, ठीक है, द एग्जिस्टिंग मटीरियल्स एंड प्रोडक्ट्स एज फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके उतना प्रोडक्ट्स को रीयूज कर सकते हैं, लीज कर सकते हैं, रिपेयर, रिसाइकल, शेयर कर सकते हैं. तो इसको हम बोलते हैं सर्क्यूलर इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी. ये यानी प्रोजेक्ट प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस भी हो रहा है, कंज्यूम भी हो रहा है, एक साइकिल में जब तक हो सकता है वो उसे रिसाइकिल की कर रहे हैं, ठीक है. इट्स बेसिकली शी सेड दैट वी आर नाउ गोइंग टू ट्रांजिट इनटू द सर्कुलर इकोनॉमी, ठीक है, फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लीनियर वन. अच्छा, हैव यू हर्ड अबाउट इट? नाउ अनअकैडमी इज फाइनली लॉन्चिंग द अनअकैडमी स्टोर. द स्टोर इज ओपन नाउ ऑन 30 पूसा रोड, ओल्ड राजेंद्र नगर, नियर मेट्रो पिलर नंबर 121 इन न्यू दिल्ली. Here you will get state of the art library to fast track your preparation. Here you will get our educators, wherein you can also get help for your strategy, and you can get mentorship session from the UPSC educators live face to face. यहाँ पर जब हमारा स्टोर अभी खुला था ना, I personally visited this store and it was wonderful. You had all the necessary resources here to prepare for your exam. So the store is open now. We have live educators to solve all your queries. अब आपको कहीं भी इधर उधर type करके query पूछने की जरूरत ही नहीं है. सीधा Unacademy store पर जाओ, educator वहाँ पर आपको हमारे सारे मिलेंगे. उनसे जाकर अपने doubts पूछो, doubts क्लियर करो. वहां लाइब्रेरी है, बैठ के पढ़ सकते हो, क्लासेस ले सकते हो, अपने प्रिपरेशन को फास्ट ट्रैक कर सकते हो, ठीक है. सो डू विजिट आवर स्टोर नाउ ऑन पूसा रोड, ओल्ड राजेंद्र नगर, नियर मेट्रो पिलर नंबर 121 इन न्यू दिल्ली. एंड फॉर ऑल ऑफ दोज हु हैव क्लियर्ड योर मेंस एग्जामिनेशन, हरी अप, वी हैव नाउ स्टार्टेड द मॉक इंटरव्यू ऑन Unacademy from first week of April. You can register now. The links are given below. This will be our interview board panel. MS Dagur sir, retired IAS, Durga Shakti Nagpal ma'am, IAS officer, Amanpreet ma'am, IRS officer. We have Petal Gehlot ma'am, she is also IFS officer, Gauri Shankar Gupta sir, retired IFS officer, Krishna Mohan sir, Rakesh Parma sir, सारे हमारे IAS, IRS, IFS officers हैं जो कि हमारे interview panel board में हैं. यहाँ पर the last mile is the interview program started by Unacademy which is going to start from first week of April. You can register, the link is given below in the description box. It's a free and comprehensive interview guidance program for UPSC CSE 2021-22 aspirants. यहाँ पर आपके डाउट को एनालाइज किया जाएगा. ये सभी एलिजिबल एस्पिरेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो पैसों की टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है. फ्लेक्सिबल स्केड्यूल है, अपने स्केड्यूल के हिसाब से यहाँ के आप अपना मॉक इंटरव्यू दे सकते हो. प्रीवियस ईयर की ट्रांसक्रिप्ट भी आपको यहाँ मिलेगी, ठीक है. एक्सपीरियंस पैनल के साथ एक तरीके का टेस्ट इंटरव्यू आप देकर अपने वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को जान सकते हो. यू विल बी ट्रेन्ड बाय द एक्सपर्ट्स ऑन Unacademy प्लस. सो करंटली इफ वी टॉक अबाउट द वेस्ट जनरेशन सिनेरियो इन इंडिया, एज पर द रिपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल Renewable Energy Agency that we studied 1987 में establish हुई थी. अभी हमने starting में, that is why I taught you about this agency in the starting, so that now you will understand what this agency is. According to this agency's report, the cumulative, the collective waste which was generated by India, ठीक है, it was as high as 325 kilotons by 2030. This is the target कि 2030 तक ये जो हमारा target जो waste generate होगा इंडिया का वो 325 kilotons तक होगा, ठीक है. And globally it could exceed 15 billion US dollars also. Currently एक सिर्फ European Union ही है जो कि decision ले रहा है इस तरीके के waste को manage करने से related जितने भी technological decisions हैं, ठीक है. So that is why we are talking about switching towards circular economy and also about the solar waste management program. Okay? In the budget speech also, Finance Minister of India emphasized that is focused on the role of cleaner technology so that we can manage our waste, so that we can monitor our waste. So the cleaner technologies can be batteries, solar energy, solar batteries, which is also part of circular green economy. Okay? So Council on Energy, Environment and Water ने भी एक study किया था जिसके अंदर ये एस्टिमेट किया गया था कि दैट इंडिया वुड नीड ओवर 5630 गीगावाट ऑफ सोलर एंड 1792 गीगावाट ऑफ विंड एनर्जी
टू अचीव दी नेट जीरो टारगेट, जो हमने 2070 का नेट जीरो टारगेट रखा है ना, अगर इसको अचीव करना है तो कम से कम जो हमारा विंड एनर्जी है वो 1792 गीगावाट होना चाहिए, और जो टारगेट सोलर एनर्जी का रखा है वो हमने रखा है 5630 गीगावाट, ठीक है। बट राइट नाउ इंडिया का जो सोलर पावर इंस्टॉलेशन टारगेट है, अभी फाइनली वी हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट इट, इट इज ऑन पेपर्स ओनली, वी आर ट्राइंग टू राइट नाउ वर्क टूवर्ड्स इट टू इम्प्लीमेंट इट फिजिकली ऑल्सो, ओके, बिकॉज इंडिया करेंटली नीड्स अ वेरी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग इकोसिस्टम, दैट इज वाई द टॉक ऑफ सर्कुलर इकोसिस्टम और सर्कुलर इकोनॉमी वॉज ऑल्सो डन बाय निर्मला सीतारमन जी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सोलर एनर्जी वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हमने छोटे छोटे एजेंसीज के बारे में पढ़ा, वी स्टडीड अबाउट द टारगेट्स दैट वर हाईलाइटेड इन द बजट एंड व्हाई दे वर हाईलाइटेड। आई होप यू एंजॉयड दिस 20 मिनट्स लेक्चर, इफ यू रियली एंजॉयड इट डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।